जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु स्वर की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बधाइयां जी, बधाइयां आप सबको, ढेर सारी मुबारकें। जीव हैं गुरु, अध्यात्म के कारक हैं, आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी मेधा के कारक हैं, आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, आपके विवाह के कारक हैं, पति के कारक हैं अगर वो स्त्रियां हैं, आपके कुंडली में आपके बच्चों के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपकी बुद्धि के पढ़ाई के कारक हैं, आपके लिए धन के कारक हैं, ऐसे जो हैं वो गुरु अब स्व की राशि मीन राशि, जिसके राशि स्वामी खुद गुरु हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबको प्रणाम करती हूं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ये जो राशि फल है, ये राशि और लग्न दोनों के अनुसार है, तो दोनों देख सकते हैं। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि गुरु की गतिविधियां इस संवत के अंत तक क्या रहेंगी। 13 अप्रैल 2022 को मीन में गुरु प्रवेश कर रहे हैं, 28 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और 23 नवंबर को 2022 को ही फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो 4 महीने के लिए गुरु वक्री रहेंगे। गुरु वक्री जब रहेंगे तब ध्यान रखिए कि गुरु स्लो चलेंगे और इनका असर जो है वो कम हो जाएगा। जो बहुत अच्छा असर दे रहे थे वो असर अब धीमे धीमे होगा और वक्री होने से जो ग्रह होता है वो पिछले घर का भी सोचना शुरू कर देता है। तो जब ये वक्री होंगे तो ये कुंभ राशि के विषय में भी सोचेंगे और मीन राशि के विषय में भी सोचेंगे, तब के फल उसी प्रकार होंगे। सारा संवत जो है गुरु उदित रहने वाले हैं और संवत पर्यंत गुरु के मीन में रहने की एक बार फिर मंगल शुभकामनाएं देते हुए चलिए राशि भविष्य शुरू करती हूँ। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए, पहले लग्न में था गुरु, आपके शादी के योग थे, अब द्वितीय में आया तो द्वितीय में परिवार में आया, संचित धन पर आया, अपने आप संचित धन को गुप्त बना दिया। गुरु जहाँ बैठा उसको दबा दिया तो उसने छुपा दिया आपके संचित धन को, कुछ बिगाड़ेगा नहीं आपके संचित धन का, आपको अपना पैसा आप फ्रीज करके लॉक करके बंद करके रख देंगे। आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, बोलने चालने का काम, जो लोग खासकर सिंगिंग में है, काउंसलिंग में है, कंसल्टेशन में है, बहुत नाम होने वाला है, बहुत काम होने वाला है। और आपके लग्न में शनि भी आने वाला है तो आपके लिए बस पौबारा है, आपकी हिम्मत हौसला खूब बढ़ेगा कार्यों के लिए। हालांकि तबीयत थोड़ी सी नासाज रहने वाली है, तबीयत को संभालना है और आपके व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनबन नहीं करनी है, उनके साथ बना के रखनी है, उनके साथ आप विघटन भी नहीं करना है, क्योंकि सप्तम भाव से जब अष्टम में गुरु आता है तो ऐसा कुछ होता है, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ के चलिए कि आपके ग्रह ऐसा बोलते हैं, आपका मन ऐसा नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम बनते नजर आते हैं मुझे, आप अगर बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कुछ अटके हुए तो वो भी कर दीजिए, पैसों से रिलेटेड मामा पक्ष की सहायता लेकर कर दीजिए, आपके विरोधी एकदम शांत हो जाएंगे, जो आपको तंग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, कूल हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे। आपका आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, आपके गुप्त ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और आप अपने कार्यों में विविधता लाकर, अपने डीप गहराई में जाकर काम करके आप उनका इजाफा करने की कोशिश करेंगे। आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है, आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, कार्यस्थल के लोगों का आपको पूर्ण सहयोग मिलने वाला है, ऐसे लोगों का जो आपके साथ बरसों से काम करना चाहते थे और धन प्राप्त करना चाहते थे, तो अभी जो काम होगा उसका आगे चल के खूब धन प्राप्त होने वाला है। तो अभी काम को बिल्कुल भी ठुकराइएगा नहीं, काम करिए, आपका ऐसा काम जिसमें आपके अगर आर्ट शामिल है, नेतागिरी अभिनेतागिरी शामिल है, अगर आप लेक्चरर हैं, अध्यापक हैं, बोलने चालने के काम में हैं, तो ये सब काम बढ़ने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद और साथ में कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपको सुख शांति मिलेगी। आपको अगर मैं गुरु का उपाय कहूँ तो आप राधा कृष्ण की आराधना करें, अपने आप गुरु का उपाय हो जाएगा।